हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है 15 जनवरी और दिन है बुधवार और दोपहर के जो है 12 बज रहे हैं। तो अपने घर का जो है सारा काम निपटाने के बाद मैं आ गई हूँ बैल्कनी में। तो आज जो है बुधवार था तो बाल धोए थे, इस वजह से मैं बैल्कनी में बैठी हूँ। धूप में काफ़ी अच्छी धूप निकली है मकर संक्रांति के दिन, और जिस दिन बाल धो तो ठंड कुछ ज़्यादा ही लगती है। तो आज इतनी तेज़ धूप थी कि स्वेटर पहनने की भी ज़रूरत महसूस नहीं हो रही थी जब तक धूप में बैठे हुए थे। तो यहाँ पर मैं और विदांश बैठे हैं और विदांश जो है अपना नाश्ता कर रहा है। तो वो नाश्ता इसलिए कर रहा है क्योंकि वो लेट उठा, फिर उसको लेट नहलाया धुलाया, तो इस वजह से जो है 12 बजे जो है उसका नाश्ता हो रहा है यहाँ पर। और आज सिर्फ विदांश की छुट्टी थी, वंशिका की छुट्टी नहीं थी, तो वो स्कूल गई है। और यहाँ पर मैं धूप में बैठी हूँ। अब मैं यहाँ पर जो है ना माल्टा खा रही हूँ, और आप में से काफ़ी लोग नहीं जानते होंगे कि माल्टा क्या होता है। तो एक तरीके का ऑरेंज ही समझ लीजिए, लेकिन पहाड़ों में होता है ये। तो गांव से हमारे नेबर हैं जो, वो आए थे तो वो लेकर आए थे, तो उन्होंने दिया। तो ये खट्टा मीठा होता है, मीठा थोड़ा सा कम होता है बट खट्टा काफ़ी ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर मैं धूप में बैठ के खा रही हूँ, और इसको खाने का मज़ा भी धूप में बैठ के ही आता है। अगर ठंडा हो रहा हो तो इसको खाने का मज़ा नहीं आता है। और विदांश को मैं बोल रही हूँ कि बैठ जाओ यहाँ पर खा लो, लेकिन उसको तो खट्टी चीज़ें पसंद नहीं है, इसलिए वो कभी भी नहीं खाता ये सब चीज़ें। उसका फेवरेट जो फ्रूट है वो सिर्फ और सिर्फ बनाना है, उसके अलावा वो कुछ भी नहीं खाता। वेलकम बैक टू माई चैनल। तो दोपहर के जो है ठीक बज चुका है 1:30, और आज है मकर संक्रांति। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं आ गई हूँ किचन में क्योंकि आज मकर संक्रांति है, तो मैं बना रही हूँ खिचड़ी। तो ये जो है ना उड़द की दाल और चावल जो है मैं भिगा चुकी थी, करीब आधा घंटा हो गया इसको भिगाए हुए। तो 1 बजे मैंने ये भिगा दिया था, और अब मैं फटाफट से आ गई हूँ किचन में क्योंकि मुझे जो है ना ये फटाफट से खिचड़ी का जो है फ्राई करनी है। और उसके बाद 2:05 या 10 मिनट पर वंशिका का टाइम हो जाता है उसको स्कूल से लाने का, मतलब उसकी बस आ जाती है। तो मैं फटाफट से यहाँ पर जो है ना खिचड़ी में तड़का लगा रही हूँ। और ये खिचड़ी जो है मैं इसमें टमाटर वगैरह का यूज़ नहीं करती क्योंकि उड़द की दाल में मुझे टमाटर बिल्कुल पसंद नहीं है, और प्याज भी मैं नहीं इसमें डालती हूँ। मैं इसमें डालूंगी सिर्फ हींग, जीरा और लहसुन, क्योंकि लहसुन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और वैसे ही जो बेसिक मसाले होते हैं वो डाल के, और मैं इसमें ऐसे ही छौंका लगा दूंगी। तो चलिए फटाफट से पहले इसको बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं फटाफट से जो है कुकर में लहसुन डाल रही हूँ, तेल डाल चुकी थी, जीरा और हींग डाल दी। उसके बाद जो है जब सारे जो तड़का था वो अच्छे से फ्राई हो गया, तो मैंने इसमें जो है उड़द की दाल और चावल भी डाल दिए जो कि मैं भिगा चुकी थी। और साथ में इसमें ऐड कर रही हूँ बेसिक मसाले जो हम डेली यूज़ करते हैं खाने में। और उसके बाद जो है मैं अच्छे से इसको मिक्स दे के और यहाँ पर जो है ढक्कन लगा के इसको पका दूँगी। और उड़द की दाल की खिचड़ी खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है और हेल्दी भी होती है। तो यहाँ पर जो है खिचड़ी बनके एकदम रेडी है। और वंशिका स्कूल से आ गई थी तो वो चेंज कर रही थी, तो मैंने बोला तब तक आप लोग चेंज कर लो और मैं खाना लगा देती हूँ। तो यहाँ पर जल्दी जल्दी से मैं खिचड़ी लगा रही हूँ, और साथ में डालूँगी थोड़ा थोड़ा सा घी। तो बिना घी के जो है खिचड़ी का स्वाद अधूरा है। तो हम लोग जो है ना लंच कर रहे, खिचड़ी एकदम रेडी है। तो यहाँ पर है, मैंने इसमें घी डाल दिया है, थोड़ा सा, थोड़ा नहीं मतलब ठीक अच्छे से डाल दिया है। और साथ में है सलाद, ये देखिए। और वंशिका जो है ना हाथ मुंह धो रही है बाथरूम में, अभी आई है स्कूल से। तो बस अब हम जो है ना लंच करेंगे, एंड लंच करने के बाद फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से। तो शाम हो गई है, शाम के बज रहे हैं 6, और वंशिका जो है अभी अभी डांस क्लास से आई है। तो मुझे अपने लिए चाय बनानी थी, तो वंशिका ने बोला मम्मा मुझे भी चाय पीनी है। और आजकल जो है मैं उसको चाय दे देती हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम से जो है उसके गले में वो दर्द बता रही है, जुखाम वगैरह हो रहा है उसको। तो जुखाम की वजह से मैं उसको थोड़ी सी चाय दे देती हूँ, तो मेरी भी जो है कंपनी मुझे मिल जाती है। और हम दोनों यहाँ पर जो है साथ में बैठ के चाय पी रहे हैं।
और चाय पीने के बाद मैं लगूंगी जो है डिनर की तैयारी में। तो आज जो है मैं बनाऊंगी आलू और मूली की सब्जी। तो ये रेसिपी मैंने आपको पहले भी शेयर की थी, लेकिन उसमें जो था लिक्विड थोड़ा सा ज़्यादा था क्योंकि हमें चावल के साथ खानी थी। इस वाली सब्जी में मैं थोड़ा सा तरी कम करूँगी, तो आलू और मूली को इस तरीके से सिलबट्टे में मैं कूट लूँगी। और साथ ही मैं वंशिका का जो है होमवर्क भी करा रही हूँ, और वेदांश सो रहा है, तो वंशिका डांस क्लास गई, उसके बाद वेदांश मेरे साथ आके सो गया। और यहाँ पर आलू कूट गए हैं, मूली भी अच्छे से कूट गई है, और साथ में मैं इसमें पीसूंगी लहसुन, और सब चीज़ों को एक साथ मिक्स कर देंगे। तो सिलबट्टे में कुटी हुई मूली और आलू का जो टेस्ट आता है ना, वो उसका कुछ मतलब हम कह नहीं सकते कि कितना अच्छा टेस्ट आता है, कोई जवाब नहीं है उसका। और ये वाली सब्जी जो है लोहे की कढ़ाई में ही बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है। तो यहाँ पर जो है मैंने इसमें ऐड किया है तेल, और एक टमाटर जो है मीडियम साइज़ का वो मैं इसमें कट कर दूंगी। और अब जो है मैं इसमें डालूंगी राई, तो राई और हींग का जो है तड़का लगाने के बाद इसमें मैंने ऐड कर दी हैं टमाटर, और साथ में डालूंगी मसाले जिसमें हल्दी, नमक, मिर्च, गरम मसाला होगा। और इसको अच्छे से टमाटर को अच्छे से मैश होने तक पकाएंगे, और उसके बाद इसमें आलू और मूली जो है वो इसमें ऐड कर देंगे। और अच्छा सा एक मिक्स देने के बाद इसमें ऐड करूंगी पानी, तो इसमें थोड़ा सा पानी जाएगा, और उसके बाद इसको ढककर पकाएंगे तब तक जब तक आलू अच्छे से गल नहीं जाते। और इसको पकाने के लिए जो गैस की फ्लेम है उसको रखते हैं मीडियम, और साथ ही मैं काम करते करते गैस पे भी कपड़ा मार देती हूँ क्योंकि गैस पे छींटे हो जाते हैं जब सब्जी बनाओ, तो गैस गंदी अच्छी नहीं लगती है, तो साफ़ रसोई में काम करने में मन भी लगता है। और यहाँ पर जब तक सब्जी पकेगी मैं फटाफट से आटा गूंध रही हूँ। तो वैसे तो मैं गर्म पानी से आटा गूंधती हूँ, पर अभी जो है ना मुझे लेट हो रहा था क्योंकि ये जो है ऑफिस से आ चुके थे और मैंने कुछ भी काम नहीं किया था, तो मैं फटाफट से यहाँ पर आटा गूंधूंगी। और थोड़ी देर के लिए जो ये आटा है इसको सेट होने के लिए मैं रख दूंगी फ्रिज में करीब 5 मिनट तक। 5 मिनट में अगर आटा फ्रिज में रख दो तो वो अच्छे से जो है सेट हो जाता है। तो साथ ही साथ मैं इसको बाउल में ट्रांसफ़र करके इसको ढक के और साइड में रख दूंगी, और साथ में जो परात है उसको साथ के साथ धो दूंगी क्योंकि सिंक में ज़्यादा बर्तन नहीं थे। और फिर ऐसे करके एक एक करके जो है ना काफ़ी सारे बर्तन जो है इकट्ठे हो जाते हैं, तो अच्छा यही रहता है कि जो भी बर्तन हो उसको फटाफट हाथ के हाथ धो दो, तो इसमें टाइम भी नहीं लगता और आपके जो सिंक है वो भी नहीं भरता बर्तनों से। तो यहाँ पर बर्तन धुल चुके हैं, और अब जो है थोड़ा सा आटा गिरा हुआ था तो उसको मैंने हाथ से जो है क्लीन कर दिया है, और इसको रख के मैं 5 मिनट जो है फ्रिज में रख दूंगी। बॉल तो नहीं है उसकी, डॉल बॉल सब तुम्हारी है, ठीक है बाय, चलो जाओ दरवाजा बंद करके आओ। और यहाँ पर जो है मैं बना रही हूँ रोटियाँ फटाफट से क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, 9 बज चुके थे इस टाइम पे, और वंशिका को मैं 9:30 बजे तक जो है सुला देती हूँ, वो दिन में नहीं सोती है, तो मेरी कोशिश यही रहती है कि बच्चों को मैं फटाफट सुला दूँ खाना खाने के बाद, क्योंकि मॉर्निंग में जब वो उठते हैं ना तो नींद पूरी हो जाती है अगर शाम को टाइम पर सोते हैं तो। तो वैसे भी उसको नींद आने लगी थी, तो मैं फटाफट से यहाँ पर जो है रोटियाँ बना रही हूँ, और सबसे पहले जो है रोटियाँ मैं दूँगी वंशिका और वेदांश को। तो यहाँ पर जो है मैं इनको सब्जी दूंगी, तो सब्जी तो बच्चे वैसे भी ज़्यादा नहीं खाते और ये सब्जी उन्हें इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, तो मैं थोड़ी थोड़ी सी ही दे रही हूँ। वंशिका और वेदांश की जो चॉइस है ना बहुत ज़्यादा मतलब जैसे उन्हें कढ़ी अच्छी लगती है और भिंडी अच्छी लगती है, इस तरीके की सब्जी, पनीर हो गया, तो सभी बच्चों को यही सब पसंद होता है। इस तरीके की सब्जी बच्चे खाना पसंद नहीं करते, थोड़ी सी स्पाइसी भी थी ये सब्जी क्योंकि मैंने इसमें मिर्ची थोड़ा सा ज़्यादा डाली हुई थी, लेकिन फिर भी बच्चों को अपने साथ ही खाना जो है खिलाना सिखाना चाहिए जैसा खुद खाते हैं। तो यहाँ पर एक प्लेट मैंने इनके लिए लगा दी है, और वेदांश जो है बैठ के खाना खा रहा है, मुझे देख के हंस रहा है, और मुझे देख के क्या वो कैमरे को देख के ज़्यादा हंसता है, और मैं भी आ गई हूँ वेदांश को ज्वाइन करने के लिए। रोटियाँ बन चुकी थी सारी, तो मैं भी साथ के साथ खा रही हूँ। वंशिका पीछे घूम रही है हमारे, वो च्यवनप्राश खाएगी खाना खाने के बाद। तो यहाँ पर जो है हम दोनों मम्मी और बेटा जो है खाना खा रहे हैं,
तो मेरे आज के व्लॉग का एंड भी मैं यहीं पर करूंगी। तो कैसा लगा मेरा व्लॉग मुझे ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपको अपने अगले व्लॉग के साथ।